40-45 मिनट तक मृत घोषित होने के बाद भी कोई कैसे जी उठा, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर बाबा जी की कुछ चमत्कारी लीलाएं लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार की बात है, कहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई, जिसमें उनको लगातार उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन हो रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी अस्वस्थ हो गई और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो मरने की अवस्था में आ गई। उनके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं पचता तथा शरीर सिकुड़कर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। कोई भी इलाज कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसी अवस्था में कहर सिंह जी बहुत दुखी हो उठे कि अब मेरे इन चार छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। कहर सिंह जी की बाबा जी में बहुत आस्था थी, तो उन्होंने एक व्यक्ति जो बाबा जी से मिलने लखनऊ से नैनीताल कैची धाम जा रहा था, उसके हाथों अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सूचना महाराज जी के पास पहुंचा दी और कहा, बाबा जी कृपा करें। जब ये संदेश बाबा जी तक पहुंचा, तो बाबा जी ने कहा, इसमें कहने की क्या बात थी, कहर तो हमारा भक्त है। इसी बीच कहर सिंह की पत्नी का शरीर ठंडा पड़ गया और वो मर गई। वो हॉस्पिटल में थी, तभी बाबा जी ने कहर सिंह की कन्या के सपने में जाकर बायोकेमिकल दवाओं का मिश्रण अपनी मरी हुई माँ के मुंह में डालने के लिए कहा और उनकी बेटी ने ऐसा ही किया। तब 40-45 मिनट तक मृत रहने के बाद कहर सिंह जी की पत्नी को पुनः होश आ गया और वह उठ खड़ी हुई। जब कहर सिंह जी ने डॉक्टरों का धन्यवाद किया, तो डॉक्टरों ने उनसे कहा, मिस्टर सिंह, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, यह तो केवल भगवान की कृपा से ही बच पाई है। ये सुनकर कहर सिंह जी आश्चर्यचकित रह गए। इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना ये हुई कि इसी दिन बाबा जी लखनऊ में कहर सिंह जी जहाँ रहते थे, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति एस के चौधरी के वहाँ पधारे। तो एस के चौधरी जी की पत्नी ने कहर सिंह जी को फ़ोन किया और कहा, बाबा जी आपको याद कर रहे हैं। ऐसा सुनकर कहर सिंह जी तुरंत बाबा जी से मिलने उनके वहाँ पहुँच गए। तब बाबा जी ने कहर सिंह जी से ना तो उनकी पत्नी के बारे में पूछा और ना ही उस रोज हुई घटना का कुछ भी जिक्र किया। दोनों ने साथ में चाय पी, समोसे खाए और फिर बाबा जी वहाँ से चले आए और कहर सिंह जी को भी जाने के लिए कहा तथा लखनऊ में उन्होंने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। बाद में कहर सिंह जी को पता चला कि उस दिन बाबा जी लखनऊ में नहीं, लगातार नैनीताल कैची धाम में विराज रहे थे और वो ये सोच कर बाबा जी का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो दोस्तों, ऐसी लीलाएं थी नीम करौली बाबा जी की, और वो भी सब सत्य पर आधारित। परंतु हो सकता है आज के मानव को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था से बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों को अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें मानना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की लीलाओं का ये भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।